गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स होप यू ऑल आर फाइन सो स्टे होम स्टे सेफ लेट्स बिगिन अवर टू डेज क्लास अवर टुडेज टॉपिक इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम अलग अलग जो ट्रांसपोर्ट मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम चीज़ें यूज करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट द एनिमल यूज एज़ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट की क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए और कौन से एनिमल्स को हम यूज़ करते हैं सो नाओ लेट्स बिगिन एज यू ऑल नो द ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ ट्रांसपोर्ट बेटा जो है मतलब वो चीज़ें जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जैसे आपके स्कूटर है कार है बस है बाइक है मेट्रो है ठीक है ये हमारी लाइफ के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रांसपोर्ट इज़ अ वे और मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स आर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ट्रांसपोर्ट क्या है वो चीज़ जिससे लोग और सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है अब आपके पापा मम्मी ऑफिस जाते हैं आप लोग स्कूल आते थे कोई वैन से कोई बस से तो हम सबको आने जाने के लिए जो मीन्स चाहिए उसी को हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं द मीन्स कैन बी मैन एनिमल कार बसेस कोचेस ट्रेन शिप एयरक्राफ्ट एंड सो ऑन बेटा अब ये जो चीज़ें हैं ये कोई भी हो सकता है मैन भी हो सकता है जो आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा है एनिमल्स भी हो सकते हैं कार है बस है शिप है एरोप्लेन है एंड द लिस्ट इज सो ऑन द वे ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी थ्रू लैंड वाटर एंड एयर और हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकते हैं या सामान को भेज सकते हैं बाय एयर बाय लैंड बाय वाटर लैंड ट्रांसपोर्ट लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है जो ज़मीन पर चलता है लैंड पर जैसे साइकिल है रिक्शा है ऑटो रिक्शा है मोटरसाइकिल स्कूटर यू ऑल नो द व्हीकल्स विच मूव ऑन लैंड आप सबको पता है कौन कौन सी चीज़ें लैंड पर चलती हैं दे आर दस दीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट तो हम उन चीज़ों को लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं इंडिया हैज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ रेलवेज कनेक्टिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री ट्रेन्स रन ऑन रेलवे लाइन्स एंड कैरी हंड्रेड ऑफ पैसेंजर्स एंड टंस ऑफ गुड अब बेटा जो रेलवे है वो भी जो है लैंड ट्रांसपोर्ट में आता है क्योंकि जो रेल है वो पटरी पर चलती है और पटरी जो है रेल्स वो कहाँ होती हैं जमीन पर होती हैं और बेटा इंडिया में सबसे बड़ा नेटवर्क है रेलवेज का जो कि एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करता है जैसे अगर आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है तो आप ट्रेन में भी जा सकते हैं दिल्ली से आपको तमिलनाडु जाना है साउथ में जाना है तो भी आप ट्रेन से जा सकते हैं और जो ट्रेन है वो एक साथ बहुत सारे लोगों को और बहुत सारी चीज़ों को भी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकती है ट्रेन जो होती हैं बेटा वो टू टाइप्स की होती हैं एक होती है गुड्स ट्रेन और एक होती है पैसेंजर ट्रेन पैसेंजर ट्रेन जिसके अंदर हम लोग बैठ के जाते हैं और गुड्स ट्रेन होती है जिसको हम हिंदी में मालगाड़ी कहते हैं जिसके अंदर सामान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है जैसे एक जगह से कहीं पर हमें बहुत सारा कोल भेजना है कोयला भेजना है कोई भी चीज़ भेजनी है इवन हम एनिमल्स को भी एक जगह से दूसरी जगह जो है भेज सकते हैं आपने देखा होगा मैनी बिग सिटीज हैव लोकल ट्रेन कोलकाता हैज़ अ ट्राम सर्विस एज वेल एज मेट्रो अब बेटा एक तो ट्रेन जो हो गई जो रेल्स पर चलती है अब जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं जैसे डेली है मुंबई है चेन्नई है बंगलुरू है आपने मेट्रो भी देखी है हम सब डेली में रहते हैं <coughs> आपने मेट्रो ट्रेन भी जो हैं वो उसके अंदर देखी हैं वाटर ट्रांसपोर्ट आया अब वाटर ट्रांसपोर्ट जैसा नाम से ही पता चल रहा है जो पानी में चलता है तो बोट हैं शिप हैं स्ट्रीमर्स हैं क्रूज लाइनर्स हैं ये सब मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट हैं वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सबसे सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट है बेटा वी हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन लेइंग रोड्स and rails but in water transport no road or rail is needed India has a big shipping industry बेटा water transport सस्ता क्यों है क्योंकि जब हम uh, सड़क है road पर जो चीज़ें चलती हैं हमें road बनाने को भी पैसा चाहिए अगर road पर गड्ढे होंगे कुछ होगा क्या होगा सब transport ख़राब हो जाएंगे लोगों का accident हो जाएगा अब रेल्स हैं वो रेल की पटरी पर चलती हैं उसको बनाने में भी बहुत पैसा खर्च होता है पर वाटर ट्रांसपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है उसको तो पानी में ही चलना है और वो नेचुरल है तो वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो चीपेस्ट है सबसे सस्ता है देयर आर मेनी पोर्ट्स इन इंडिया फ्रॉम वेयर शिप्स कैरी गुड्स टू अदर कंट्रीज पोर्ट हैं बेटे जहाँ से ब, मतलब बहुत बड़े बड़े पोर्ट हैं जहाँ से जो सामान है क्योंकि जो हम बड़े बड़े जो बहुत ज़्यादा सामान है वो हम एक जहाज से दूसरी जगह भेज सकते हैं थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट जैसे मोटरबोट हैं याच हैं हॉवर क्राफ्ट है हाउस बोट्स है ये सब पिक्चर यू कैन सी इन योर बुक आप देख सकते हैं ये सब क्या हैं हमारे वाटर ट्रांसपोर्ट अब एयर ट्रांसपोर्ट एरोप्लेन हैं हेलीकॉप्टर्स हैं आर मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अब जो एयर ट्रांसपोर्ट है आपको पता है एरोप्लेन सबसे जल्दी पहुँचा देता है सो इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अब जो पैसेंजर एरोप्लेन होते हैं वो बिग भी होते हैं स्मॉल भी होते हैं अब वेरी बिग स्पेस टू टेक ऑफ एंड लैंड पर इन लोगों को बहुत बड़ी जगह चाहिए लैंड करने के लिए अलिकॉप्टर इज अ स्मॉल एयरक्राफ्ट इट टेक्स ऑफ लैंड इन अ वेरी स्मॉल स्पेस इट कैरीज फाइव टू सिक्स पर्सन अब जैसे बेटा एरोप्लेन में तो टू हंड्रेड तक लोग बैठ जाते हैं पर हेलीकॉप्टर में फाइव टू सिक्स ही बैठ पाते हैं और जैसे वाटर ट्रांसपोर्ट चीपेस्ट है इसी तरह से जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो मोस्ट एक्सपेंसिव है सबसे महंगा जो है वो एयर ट्रांसपोर्ट है बेटा इंडिया हैज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ एयरवेज एंड एयरपोर्ट्स एयरपोर्ट्स क्या हैं एयरपोर्ट आप सबको पता है प्लेस वेयर एरोप्लेन्स लैंड एंड टेक ऑफ जहाँ पर वो उतरते हैं और जहाँ से वो उड़ते हैं वो जगह क्या कहलाती है एयरपोर्ट अब आ जाइए विलेज़स के अंदर अब विलेज़स में पीपल ट्रैवल ऑन फूड और ऑन ब्लक अब गाँव के अंदर पर अब ऐसा तो नहीं रहा गाँव में भी सब चीज़ें हैं फेसिलिटीज़ हैं पर वहाँ पर अभी भी बुलक कार्ड्स वगैरह चलती हैं बाइसिकल्स हैं मैनी विजेज आर कनेक्टेड बाई रोड्स ऑन विच बसेस नाउ नावर डेज मेनी वेल ऑफ विलेज हैव ट्रैक्टर्स कार जीप्स अब गाँव के अंदर भी सबके पास ट्रैक्टर्स भी हैं जीप्स भी हैं जिससे वो ट्रैवल करते हैं और बेटे बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ के रोड जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं तो वहाँ पर एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं यूज बाई पीपल फॉर कैरिंग पीपल एंड देयर थिंग्स वहाँ पर एनिमल्स को यूज़ करा जाता है इंसानों को और चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में अब आपने देखा होगा लोग वैष्णो देवी जाते हैं तो क्या करते हैं पोनीज़ या खच्चर वो करते हैं उस पर बैठ कर जाते हैं सामान ले जाते हैं तो वो एनिमल्स को हम यूज़ करते हैं अब कैमल जो है वो शिप ऑफ डेजर्ट है अब इतनी मिट्टी में कोई नहीं चल सकता कोई गाड़ी भी नहीं चल सकती है तो वहाँ पर जो है कैमल जो है वो ईज़िली मूव करता है एलिफेंट्स आर मूव यूज टू मूव अराउंड द थिक फॉरेस्ट अब जो एलिफेंट्स हैं जब घने घने जंगलों के अंदर अगर किसी को जाना होता है तो वो एलिफेंट पर बैठ कर जाता है और हिल्स में पहाड़ों पर म्यूल्स और पोनीज जो मैंने आपको बताया खच्चर वगैरह होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं सो so, ये जो चैप्टर है इन दिस चैप्टर वी हैव गॉन थ्रू डिफरेंट मीनस ऑफ ट्रांसपोर्ट कि क्या क्या अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं विलेज़ में हम क्या यूज़ करते हैं हिली एरियाज़ में हम क्या यूज़ करते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है वाटर एयर चीपेस्ट क्या है एक्सपेंसिव क्या है i all i have explained so i hope this is clear to you for better understanding go through the video again this is for today's class thank you so much god bless you all